हेलो बच्चों, हम लोग अभी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपने मैथ्स का कॉलम का क्वेश्चन दिया था। एक उसमें एक लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और इस लाइन को पी पर और इस लाइन को क्यू पर मिल रही है, तो पी क्यू स्क्वायर आपको बता रहे हैं। कभी भी आपको 3D लाइन दी जाए, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है, हमेशा क्लियर रखो कि आप उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो, तो सीधा उसी पॉइंट को लिखना सीखो। एंड अभी इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा आपका 2 प्लस लैम्डा तो इस फर्स्ट लाइन पर कोई भी पॉइंट एक्चुअली ये होगा 2 प्लस लैम्डा और 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा, तो ये पी भी हो सकता है अनडाउटेडली, तो हम इसी को पी मान रहे हैं क्योंकि फॉर सम लैम्डा इट हैज टू बी पी ओनली, तो लेट दिस बी पी। जस्ट लाइक दैट ऑन दिस लाइन एनी पॉइंट विल बी गिवन बाई दिस वन, जिसको हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्यू भी होगा किसी ना किसी म्यू के लिए, तो लेट दिस बी म्यू, लेट दिस बी क्यू। ओके, नाउ सिंस ओरिजिन दिस पॉइंट आर लाइंग ऑन ए लाइन, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी एंड ओक्यू विल बी सेम। सो इनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, हेंस यू कैन से दैट कि 2 प्लस लैम्डा विल बी सम कांस्टेंट टाइम 8 बाई 3 प्लस 2 म्यू 1 माइनस 2 लैम्डा विल बी सम कांस्टेंट टाइम 3 equations. तो इसमें मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आप जैसे इसमें थोड़ा आपको स्ट्रेटेजी बोल दो, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो लैम्डा हट जाएगा, तो के और म्यू में एक रिश्ता आ जाएगा, फिर उस रिश्ते को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, माइनस वन प्लस लैम्डा इज के प्लस के म्यू, तो वहाँ पे कुछ के म्यू निकल के आएगा, उसे इधर आप यूज कर सकते हो, तो फाइनली लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लैम्डा इसमें हमारा कुछ 3 निकल के आता है, सो जो लैम्डा है वो 3 आएगा, के 3/2 और म्यू जो है वो 1/3 निकल के आएगा, इनसे आपको पी क्यू ही मिल गए, हेंस पी क्यू स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर कुछ तो 6 आ जाता है, तो अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक नहीं है तो दिस इज डेफिनेटली द फाइनल आंसर, दैट्स इट।